नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। रविवार को रिजॉइस हेल्थ फाउंडेशन संस्था द्वारा कई आयोजन किए गए। युवा भाजपा नेता महेश अवाना के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा, स्वास्थ्य जांच शिविर, राशन एवं गर्म वस्त्र वितरण के कार्यक्रम शामिल रहे। सभी कार्यक्रम लॉरेंस रोड स्थित दादा देवता शिव मंदिर में आयोजित किए गए। समाज कल्याण हेतु स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था रिजॉइस हेल्थ फाउंडेशन द्वारा 26 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत व अन्य अफसरों और जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत व अन्य शहीद सैन्य अफसरों और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं रिजॉइस हेल्थ फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में अनेक लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। शिविर में मौजूद विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों की जांच कर उन्हें डॉक्टरी सलाह दी। इसके अलावा उस दौरान गरीब, बेसहारा एवं महिलाओं को राशन किट का वितरण किया गया। जरूरतमंद व गरीब महिलाओं के बीच सूट, सैनिटरी नैपकिन, मास्क एवं सैनिटाइजर के साथ ही गर्म कपड़े व कंबल भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ ही सामाजिक और चिकित्सा क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस दौरान सेवानिवृत्त जनरल संजीव श्रीवास्तव, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, भाजपा दिल्ली प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर, भाजपा दिल्ली प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, भाजपा दिल्ली प्रदेश समन्वयक दयानंद, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर सौरभ गुप्ता, रिजॉइस हेल्थ फाउंडेशन के ग्लोबल प्रेसिडेंट डॉक्टर नवल कुमार वर्मा, भारत विकास परिषद के महासचिव डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, भाजपा केशवपुरम जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया गणमान्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम के सफल संचालन में मैत्री गणपति महोत्सव परिवार, रामपुरा गांव RWA, एकजुट एक प्रयास संस्था, नई सोच नई खोज संस्था, राजा पार्क युवा एकता मंडल, भाजपा रामपुरा मंडल के पदाधिकारियों व स्वयं सेवकों का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। सैनिटरी नैपकिन, मेडिकल कैंप और सबसे जरूरी है आज के यहाँ पर जो डाउन ट्रॉडन है, जो हमारे गरीब भाई हैं, उनके लिए उन्होंने हर तरह की सुविधा प्राप्त करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है और इससे अच्छी तरीके से मेरे ख्याल में हमारे CDS का, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और बहुत दूर तक की सोचते थे और बहुत ही निपुण सैनिक थे, उनके यादगार में इतना अच्छा कार्यक्रम रखना, मैं तो इन्हें सच में कहूँगा कि हैट्स ऑफ जय। और इतना बढ़िया कार्यक्रम कोई और नहीं रख सकता है। धन्यवाद और आप सबको भी आने के लिए, सहयोग के लिए हमारे धन्यवाद। देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत जी की शहादत को याद किया जा रहा है। सभी लोगों ने मिलकर के उनको, उनकी पत्नी को, उनके साथ जो 12 अन्य हमारे सैन्य अधिकारी शहीद हुए थे, उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित किए, क्योंकि जितने भी हमारे शहीद हैं वो हमेशा हमेशा प्रेरणा देते हैं। और आज देश फिर संकट के सामने खड़ा है, ओमिक्रॉन सामने है, तो ओमिक्रॉन का प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए गरीब लोगों को जरूरत की चीज़ें उपलब्ध कराना, क्योंकि हमारा देश सभ्यता का देश है, संस्कृति का देश है, धर्म का देश है। हमारे आपने देखा होगा प्रथम लहर, दूसरी लहर, कभी भी लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ा। जो संपन्न लोग, उन्होंने आगे बढ़ करके लोगों की सहायता की, उसी के निमित्त आज सुशासन दिवस पर, क्योंकि कल अटल जी का भी जन्मदिन था, हम गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं, राशन किट दे रहे हैं, उनको कंबल दे रहे हैं, उनके हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और जनरल विपिन रावत को याद भी कर रहे हैं। ये सब एक संगम है, हम मिल करके ऐसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और NGO मिलकर के अगर काम करेंगे तो देश बड़ी से बड़ी चुनौती को पार पा सकता है। देखिए, देश के पहले जो CDS जनरल रावत जी की याद में आज श्रद्धांजलि सभा हमने रखी और उसमें दिल्ली के एक प्रसिद्ध NGO रिजॉयस के चेयरमैन, ग्लोबल चेयरमैन डॉक्टर नवल वर्मा जी के साथ मिलकर हमने कार्यक्रम किया है, जिसमें पहले हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और लगभग 1000 लोगों को हम यहाँ पर गर्म कपड़े, राशन, महिलाओं के लिए अलग से सैनिटरी नैपकिन, लेडीज सूट और हर आदमी को हम मास्क और सैनिटाइजर दे रहे हैं। कम से कम 1500 हम मास्क और सैनिटाइजर यहाँ बांट रहे हैं और इसके अलावा 15 तरह के टेस्ट हमने यहाँ पर किए
दवाइयाँ मुफ्त दी है और जितना भी हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देने का प्रयास, क्योंकि देश के जो पहले सीरियस रावत जी हमारे परिवार के सदस्य थे और परिवार के सदस्य के नाते हमारा फ़र्ज था उनको श्रद्धांजलि देना। और उसके बाद हमने 500-600 लोगों का 1000 लोगों का यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन रखा है ताकि ब्रह्मभोज के रूप में लोग उसको ग्रहण करें। ये आज का हमारा कार्यक्रम है। हेल्थ कैंप में पहले हमने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर उनका RT-PCR टेस्ट, उसके अलावा डेंटिस्ट, हमारे प्रिवेंटरी होमोक्लोरिन की भी हमने दवाइयाँ दी है और लगभग 15 तरह के BP, शुगर, ब्लड शुगर सारे टेस्ट यहाँ पर आज हुए हैं। तो जिसको जो अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकता है उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का काम किया है। तो ये आज हमारा मुख्य कार्यक्रम रहा। आने वाले समय में और भी ऐसे कैंप अभी जो संस्था से जो हमारी बात हुई है, लगभग हर महीने में एक ऐसा कार्यक्रम हम अपने क्षेत्र में करेंगे।